बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महिंद्रा का ECM है स्कॉर्पियो का, तो इस पर हम आज सप्लाई देते हैं और फिर इसके हम वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे। और देखें आप, पिन नंबर 1 पर 12 वोल्ट सप्लाई है और पिन नंबर 28 पर भी 12 वोल्ट सप्लाई दे दी है। ठीक है जी, ग्राउंड हमने पिन नंबर 2 पर दे दिया है। ठीक है, जो लास्ट वाली पिन है ये वाली, इस पर भी 12 वोल्ट दें आप। तो इसके लिए क्या है कि हम एक यहाँ से जम्पर लगा देते हैं, यहाँ से इन दोनों के बीच में। ठीक है, हमने जम्पर लगा लिया है पिन नंबर 1 के और 5 के बीच में। क्यों लगाया है ये? इसलिए लगाया है ताकि जो सप्लाई है हमारी 12 वोल्ट वो 48 वोल्ट के सेक्शन में पहुँचे और 48 वोल्ट भी बने। अगर ये नहीं जोड़ेंगे तो 48 वोल्ट नहीं बनेंगे। सप्लाई देते हैं, हमने इसको सप्लाई दे दी है इस तरीके से। ठीक है जी, लगा लिया है। 12 वोल्ट सप्लाई को देखने के लिए आ रही है? नहीं, तो यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई है और पिन नंबर 28 पर भी, पिन नंबर 28 पर भी 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है। ठीक है जी, अच्छा अब हमें ये और देखना है कि ये 48 वोल्ट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं इसमें, राइट? क्योंकि 48 वोल्ट का बनना बेहद लाजमी है। अगर 48 वोल्ट नहीं बनेंगे तो आप ये मान के चलिए कि इंजेक्टर सेक्शन काम नहीं करेगा, इंजेक्टर सेक्शन बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, जब हम गाड़ी में लगाएंगे और चेक लाइट भी नहीं आएगी। 48 वोल्ट है तब आप ये मान लीजिए कि ECM के अंदर सप्लाई सेक्शन लगभग ओके है, अगर 48 वोल्ट बन रहे हैं और वो स्टेबल भी हैं। ये नहीं कि अप डाउन हो, एक जगह स्टेबल होना चाहिए। अगर स्टेबल है तो वो हम उसे ओके मानेंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, लगभग 47 वोल्ट आ रहे हैं, इसे हम ठीक मानेंगे, इसे हम गलत नहीं कह सकते, इसे ओके मानेंगे। ठीक है, ये 48 वोल्ट के इसके जो कॉमन साइड होती है तो इसके इस सेट में 48 वोल्ट होते हैं और इस सेट में जो होते हैं वो 12 वोल्ट रहते हैं दोनों तरफ में। अगर ये 12 वोल्ट नहीं है तब यहाँ 48 वोल्ट रिसीव नहीं होंगे। और अगर अभी मैं आपके सामने ये दिखा दूँ कि इसे हटा दें हम जैसे इस पिन को, तो ये 48 वोल्ट नहीं बनेंगे और 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट रिसीव होते रहेंगे। क्यों? एक्चुअली क्या होता है कि जो बहुत ढेर सारे कैन बॉक्सेस वगैरह आते हैं जो स्कैनिंग के लिए, तो उनके अंदर आप देखेंगे तो उन्हें से जोड़ते हैं इसको, या उनके अंदर जो PDF फाइल दी है उसे देखकर आप कनेक्ट करेंगे, तो ये 48 वोल्ट उसमें नहीं बन पाएंगे। अकॉर्डिंग टू उसके PDF के हिसाब से आप इसे कनेक्शन देते हैं या उनके जो कनेक्टर्स आते हैं तो उससे भी देंगे तब भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उसमें ये वाली सप्लाई को नहीं दिया गया है। पिन नंबर 5 ये वाली सप्लाई को नहीं दिया गया। देखिए, मैं इसे हटा देता हूँ, मैं इसे हटा देता हूँ, राइट? मैंने इसे हटा दिया है, ओके। और अब यहाँ पर ड्रॉप होना शुरू हो चुके होंगे 48 वोल्ट। देखिए, ड्रॉप होना शुरू हो गए ये, और जैसे जैसे ही अभी ये बिल्कुल देखिए ये ड्रॉप होना शुरू हो गया, और ये एक मिनट बाद लगभग ज़ीरो की तरफ चले जाएंगे और फिर हम दोबारा इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर कोई भी वोल्ट शो नहीं होंगे। एक्चुअली अभी ये यूँ दिख रहे हैं क्योंकि इसका जो कैपेसिटर है, इसका जो फ़िल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है ये वाला, तो इसमें चार्ज है ये भी, ये तो उसके चार्ज वाले वोल्टेज ये शो हो रहे हैं ड्रॉप होते हुए। देखिए, ये ड्रॉप होते हुए शो हो रहे हैं अभी, और जब 48 वोल्ट बनेंगे बिल्कुल 48 वोल्ट, तो ये बिल्कुल 48 वोल्ट यहाँ पर आएगा। हम दोबारा फिर से सप्लाई देंगे और देखते हैं कि 48 वोल्ट है, 47 वोल्ट है या नहीं है।
और हमने ये हटा दिया है। यह समझाना बेहद ज़रूरी था ये, क्योंकि ईसीएम के रिपेयर करने वाले भाई लोग हैं जो भी इंडिया भर में, तो ज़्यादातर लोगों के पास कैन बॉक्स वगैरह या उस तरह के होते हैं पीडीएफ फाइल्स, तो वो उनको देखकर ही कनेक्शन करते हैं। तो उस कनेक्शन के अंदर बताया गया है कि आप सिर्फ इस पिन पर लगाएं, पिन नंबर सिर्फ इस पर लगाएं, बाकी नीचे कनेक्ट ना करें, इस तरह से बताया गया है। तो जब आप ठीक है, सप्लाई दोबारा ऑन किया हमने, ये हमारा बिल्कुल ओपन हो गया है, एक बार देख लें आप, ये कनेक्शन हमने हटा दिए हैं। ठीक है, ये हटा दिए हैं। इस समय अगर हम चेक करेंगे तो देखें, आप यहाँ पर फाइव वोल्ट है ना, यहाँ पर 3.3 वोल्ट भी होंगे, हैं 3.3 वोल्ट भी, और 12 वोल्ट भी होंगे। ठीक है, इस समय पावर आईसी तो वर्क कर रही है, ठीक है, और पावर आईसी के जो भी आउटपुट हैं वो भी वर्क करेंगे, वो भी वर्क करेंगे, जो भी आउटपुट हैं। अब क्या आउटपुट हैं कि, तो ये लंबी डिटेल है, अगर आप चाहते हैं ये सब जानना तो आप ज्वाइन करें क्लासेस, तो उसमें तफसील से पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। फिलहाल तो अब ये वोल्टेज हमारे हैं, 5 वोल्ट भी हैं, 3.3 वोल्ट भी हैं, 12 वोल्ट भी हैं, अब ये है, लेकिन यहाँ पर 48 वोल्ट नहीं है। देखो, अब मैंने एक प्रोब ग्राउंड पर रखी है और यहाँ पर 48 वोल्ट नहीं है, है ना, 48 वोल्ट नहीं, क्योंकि हमारा ये कनेक्शन नहीं है। अगर आप पीडीएफ कैन बॉक्स के जो पीडीएफ है उनके हिसाब से करोगे तो यही पोजीशन रहेगी आपकी, तो है ना। तो उसमें बेहतर है कि आपको जो डेप्थ जानकारी चाहिए तो बिल्कुल ही अच्छे से पिन आउट्स की, एक एक पिन को अच्छे से रीड करके कहाँ पर सप्लाई देनी है। ठीक है, तो आप देख लें, यहाँ नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है 12 वोल्ट, और जैसे यहाँ पर आ जाएंगे 12 वोल्ट तो यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो ये समझाना ज़रूरी था आपके लिए कि कैसे किस तरह से कनेक्शन देना है हमें, और कैसे वोल्टेज चेक करना है। और बहुत से स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि 48 वोल्ट नहीं बनना है, जबकि सप्लाइयाँ बन, 1 मंथ का क्लासेस होता है हमारा, 1 महीने का, और क्लासेस का टाइम होता है रात को 8 से 10 होता है, और बहुत एक रीज़नेबल फीस पर हम क्लासेस लेते हैं, और छोटा सा वीडियो बनाया था, आपको पसंद आया, उसके लिए बेहद शुक्रिया। नेक्स्ट किसी दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद है तो इसे ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला अफज़ाई बना रहे दूसरे वीडियो बनाने के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच।